हेलो एवरी वन वेलकम टू सिंपल क्लासेज एंड टूडेज वीडियो आई होप आप सब सेफ होंगे आई प्रे फॉर एवरी वन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड बाई दन गोइंग पैनडेमिक अब यू पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी फिल्म्स के लेके कई लोग शॉक में हैं कई लोग डिसअपॉइटेड हैं कुछ लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा वेल गुस्सा आना बनता भी है द काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर फेसिंग राइट नाउ दिस अनसर्टनिटी इज वेरी स्ट्रेसफुल कोई हंगर स्ट्राइक कर रहा है तो कहीं सुसाइड्स की खबरें आ रही हैं अब इन खबरों में कितनी सच्ची खबरें हैं कितनी झूठी खबरें हैं मुझे नहीं पता बट वट आई डू नो वन थिंग आई एम श्योर ऑफ इज़ दिस अन प्रेसिडेंटेड स्ट्रेस विच एवरी यूपीएससी एस्परेंट हैजू इंडर राइट नाउ यूपीएससी वैसे ही काफी टफ एग्जाम होता है टफ जर्नी होती है ऊपर से कोविड नाइन्टीन का प्रेशर ऊपर से जो गवर्नमेंट का जो इन एक्शन है उसका प्रेशर आई रियली डोंट नो हाउ पीपल आर गोना कोप अप विद सच एक्सक्रूशिएटिंग सर्कमस्टांसिस अब कुछ खबरें आ रही हैं जो थोड़ी इंकरेजिंग भी हैं फॉर एग्जाम्पल एम स्टेट गवर्नमेंट ने अपना डिस्ट्रिक्ट जज के एंट्री लेवल का जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन कर दिया है यू कैन सी द नोटिफिकेशन फॉर योर सेल्फ आई रियली अप्रिशिएट सच डिसीजन बट How much impact will these decisions have on UPSC 2020 is yet to be seen. सो एज फार एज फ्रेंड यूपीएस कंसर्न दर इज ओनली वन डेवलपमेंट विच इज वर्थ मेंशनिंग जो थोड़ी सी इनकरेजिंग है इसका कितना इम्पैक्ट होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता बट समथिंग इज बेटर सो वट इज हेपन मिस्टर पी विलसन हुसभा मेंबर है इन द पार्लियमेंट अब मिस्टर विलसन एक सीनियर एडवोकेट है एडिशनल सोलिसिटर जनल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं सो रिसेंटली ही रेज दिस कंसर्न इन द पार्लियमेंट इसके बाद उन्होंने एक रिटर्न रिक्वेस्ट भी सबमिट किया है

डिमांड हम अपनी सरकार से अपनी गवर्नमेंट से यूपीएससी कमीशन से कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट के लिए तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं इमेजिन दे बी सो मेनी एस्पिरेंट्स जो पिछले पाँच से छः सालों से मेहनत कर रहे हैं तैयारी में लगे हुए हैं अब इस पैंडमिक की वजह से अगर वो अपना लास्ट अटैम्प्ट ही नहीं दे पाएंगे तो उनकी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी द कोर्स ऑफ दैट पर्सन लाइफ विल चेंज फॉर एवर

to be a qualifying exam. तो अगर देखा जाए सी को लेके जब एस्पिरेंट्स परेशान थे उन्होंने अपनी बात रखी तब गवर्नमेंट ने यूपीएससी ने मिलकर सोल्यूशन निकालने के लिए एक्शन लिया स्टेप्स उठाए तो आज की सिचुएशन में तो एसपेरेंट्स कहीं ज़्यादा परेशान हैं और इन दोनों सिचुएशन को हम कंपेयर भी नहीं कर सकते जो लोग इस बार प्रेलिम्स लिखने जाएंगे दे आर राइटिंग द एग्जाम ऑलमोस्ट इन द फेस ऑफ डेथ सो आई बिलीव एंड यू मे अग्री दैट द गवर्नमेंट शुड डू वॉट इट कैन डू आई अप्रिशिएट दैट द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इज़ वेल बहुत सारे फ्रंट्स पर सरकार काम कर रही है बट दिस इज समथिंग जिसके लिए उनके पास टाइम भी है पास्ट प्रेसिडेंस भी है पास डेफरेंस है सब कुछ है लेकिन ये काम आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है वील हैव टू स्टैंड यूनाइटेड वी हैव टू रेज दिस कंसर्न टूगैदर स्ट्रांगली एंड पीसफुली तब जाके बात बनेगी सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल ऑफकोर्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सो दैट इज इट फ्रेंड्स थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर योर टाइम आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो